और उदयपुर के गोगुंदा से ये बड़ी खबर है, जहां पर मजावत के खेड़ा गांव में देर रात पैंथर घुसा है। पूना राम गमेती के घर के बाहर उनकी बेटी और पत्नी को ये पैंथर देखा है। दोनों ने घर के अंदर भागकर अपनी जान बचाई है। पैंथर घर के बाहर से मुर्गी का शिकार कर जंगल की ओर ले भागा है। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे हैं और ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। अचानक गांव में पैंथर देखने से ग्रामीणों में भय का माहौल है। ग्रामीण रात भर गश्त करते रहे तो सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे हैं। पूना राम के घर के बाहर उनकी पत्नी और बेटी को पैंथर दिखा है। लंबो पूछड़ो ज्यादा जोरदार मोर रही को। तो दोनों ने घर के अंदर भागकर अपनी जान बचाई है। ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को इसकी सूचना दी है। पूना राम के घर के बाहर उनकी पत्नी और बेटी को ये पैंथर दिखा है। गांव में पैंथर देखने से ग्रामीणों में भय का माहौल देखने को मिल रहा है। गोगुंदा का ये इलाका जहां पर पैंथरों का आतंक लगातार जारी है। कई पैंथर अब तक वन विभाग की टीम ने पकड़ भी लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पैंथर का जो आतंक है वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि गोगुंदा ऐसा इलाका है जो पूरे पहाड़ी क्षेत्र के बीचों में है। कमलेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हैं। कमलेश, एक बार फिर से पैंथर की आहट, और बताया जा रहा है कि गांव के ही कुछ लोगों ने पैंथर को देखा है। जी देखिए, बिल्कुल एक बार फिर गोगुंदा के मजावतों के जो जगह है वहां पर उस पर देर रात एक पैंथर फिर से घर के बाहर आ दमका, जहां पर एक माँ बेटी घर के आंगन में बैठी थी तो वो पैंथर को आता देखकर माँ बेटी चिल्लाई और घर की ओर अपनी जान बचाकर भागी। इस दौरान जो पैंथर जो था उसने वहां पर ग्रामीणों की आवाज सुनी और वो भी पैंथर जो है कि वहां से रिटर्न हुआ और जाते जाते उसने एक मुर्गी का शिकार किया और वहां से वो जंगलों की ओर भाग गया। इसके बाद मौके पर ग्रामीण इकट्ठा हुए और ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस को सूचना दी, और उसके बाद जो वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और देर रात तक वन विभाग की टीम और ग्रामीणों ने वहाँ आसपास इलाके में गश्त की। पैंथर को ढूंढने का बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है और लोगों में अभी भी भय का माहौल है, क्योंकि लगातार 12 दिन में इतने हादसे हुए हैं, क्योंकि कई लोगों ने जान जो गवाई अपनी। जी ठीक है कमलेश, क्योंकि पैंथर का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है, क्या माने कि ये इलाका क्योंकि जंगल से घिरा हुआ बताया जाता है, क्या इस वजह से यहाँ पर पैंथर की दहशत ज्यादा बढ़ जाती है? 3 पैंथर पकड़ में आए हैं और उसके बाद अभी भी पैंथरों का जो है दिखना लगातार जारी है। जी देखिए, बिल्कुल इलाका जो है काफी बड़ा है, आसपास जंगल काफी लंबे चौड़े हैं, काफी पैंथर का मूवमेंट है। अब तक 4 जो है कि पैंथर वन विभाग ने पकड़े भी है, लेकिन जो है कि एरिया काफी बड़ा होने से वन विभाग को और जो दूसरी जो टीमें उनको काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि सरकार ने शूट एंड आउट के भी ऑर्डर दिए हैं ताकि जो भी आदमखोर पैंथर थी उसे शूट किया जाए, लेकिन अभी तक पैंथर जो है कि जो टीमें जब लगाई गई उसके बाद सामने टीम के सामने ये पैंथर नहीं आया, लेकिन हालांकि ये लगातार जो है कि मूवमेंट कर रहा है और लोगों में डर का माहौल है। इस मूवमेंट के बाद से ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बहुत धन्यवाद कमलेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बहरोड शहर में पुलिस ने देर रात को अवैध रूप से चल रहे पटाखों के गोदामों पर कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए के पटाखे जब्त किए हैं। बहरोड क्षेत्र एनसीआर क्षेत्र में शामिल है, जहां पर प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी ने पटाखों पर बैन लगा रखा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ व्यवसायियों ने शहर सहित आसपास के क्षेत्र में पटाखों के अवैध रूप से गोदाम बना रखे हैं, जहां पर उन्होंने लाखों रुपए के पटाखे रखे हुए हैं जिनकी दीपोत्सव के त्यौहार पर बिक्री की जानी थी। और लेकिन उससे पहले ही कोतवाली पुलिस ने शहर के नया बस स्टैंड के पास और हमीदपुर रोड पर बने हुए 2 गोदामों पर दबिश देकर लाखों रुपए के पटाखे जब्त किए हैं। तो ये वो पटाखों का गोदाम है जहां पर हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में यहां से पटाखे बरामद किए गए हैं। एनजीटी ने एनसीआर में पटाखों पर बैन लगा रखा है। केशव गुप्ता और धर्मपाल चौधरी 2 व्यक्ति बिना लाइसेंस के पटाखों का व्यापार कर रहे हैं। इस सूचना पर हमारी कार्रवाई चल रही है। धर्मपाल यादव के घर से हमने करीब 1.5-2 लाख के पटाखे जब्त कर लिए हैं। उसके दुकान में गोदाम यहाँ भी हमारी कार्रवाई चल रही है। और चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। We'll be right back.